गूगली टीवी से मैं हूं आपकी होस्ट इकरा कंवल। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे नामवर खानदान के वारिस के घर पे मौजूद हूं, तो कुछ गलत नहीं होगा। जी हां, मैं इस वक्त मौजूद हूं हवेली बारूद खाना। आइए आपको दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इकरा? ठीक हो तुम? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कैसे मिजाज? बस शुक्र अल्लाह, बिल्कुल ठीक। हवेली के हवाले से ही क्वेश्चन पूछूंगी कि लाहौर की तारीखी और सकाफती जिंदगी में इस बार हवेली बारूद खाना का क्या करेक्टर है? देखिए, ये जो हवेली जो है ये ज़्यादा मशहूर हुई महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में, क्योंकि उनका जो कमांडिंग जनरल था जिसके पास लाहौर शहर की कमान थी, उस वक्त दो डिफेंस होते थे। एक किले का डिफेंस था जहाँ बादशाह खुद रहता था, और एक लाहौर शहर का डिफेंस था। जो लाहौर शहर का डिफेंस था उसका जो कमांडर था उसकी ये रिहाइश का भी थी एक हिस्सा इसका, और बाकी इसका हिस्सा जो था वो असला खाना था, इन्हीं के सारा बारूद और गोले और तोपें और बंदूकें और जो भी चीज़ें घोड़े वगैरह जो चाहिए होते थे। और वो क्योंकि उस ज़माने में बगावत का ख़तरा होता था, इसलिए मोस्ट ट्रस्टेड जो महाराजा का या बादशाह का जो धरनैल होता था उसी के ज़िम्मे ही है सारा ये गन पाउडर और ये सारी चीज़ें होती थी। इसीलिए इस हवेली का नाम मशहूर है हवेली बारूद खाना, और जो जहाँ ये वाक़े है इस बाज़ार का नाम भी बाज़ार बारूद खाना है। पूरे बाज़ार को इसकी वजह से बाज़ार बारूद खाना कहा जाता है। तो अब आपने पूछा, अब ये हमारे पास ये हवेली जो है जो जहाँ अब पानी वाला तालाब है जो अंग्रेज़ों ने जिसकी तामीर की अंग्रेज़ों के आने के बाद सिखों के जब दौर ख़त्म हुआ, तो हमारी पहली जो हवेली थी वो वहीं थी। तो वो क्योंकि सबसे ऊंची सतह थी उस जगह की, तो वहाँ उन्होंने ये प्लान किया था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उससे पहले यहाँ कोई पानी का सिस्टम नहीं था। अच्छा। हमारे अपने घर में भी कुआं था जहाँ से पानी इस्तेमाल अच्छा, होता था। मतलब हम तो नहीं, हमने तो जब होश संभाली तो नलकों में पानी आता था। हाँ। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग थे जब अंग्रेज़ों के आने से पहले, तो वो तो या जो लोग यहाँ रहते थे वो इधर से कुएं से ही पानी इस्तेमाल करते थे। अच्छा। और हर मोहल्ले में हर चौक में कुएं होते थे जहाँ से लोग जो थे आम लोग जो पानी भरते थे। फिर जब यह पानी वाला तालाब बना तो वो हमारी जगह अंग्रेज़ों ने एक्वायर करके और उसके इब्ज़ हमें ये जगह दी, अलॉट की। अच्छा, ये हाँ बारूद खाने की जो सारी हवेली थी। तो तब से हमारी फैमिली को 1860-62 से यही मुकीम है। ये हिस्सा जहाँ बैठी हैं आप ये जनान खाना बना दिया गया, और जो दूसरा हिस्सा था जहाँ अब सिनेमा है, अनफॉर्चुनेटली वो सिनेमा नहीं बनना चाहिए था, वो भी हवेली का एक हिस्सा था। लेकिन मेरी उम्र छोटी थी उस वक्त, वरना मैं कभी भी ये ना होने देता। बस किसी ने आइडिया दिया कि ये बना लो, इस तरह कर लो, और क्योंकि सब यहाँ से फैमिली चली गई हुई थी और ये खाली पड़ा था, तो शुक्र है कि ये हिस्सा जो है दैट वाज रिट्रीव्ड और ये बच गया। अब जब हमारे बुज़ुर्ग यहाँ आए तो उन्होंने एक जिस तरह उस वक्त मुसलमानों की हालत 1857 के बाद बहुत बुरी थी। जो हिंदू थे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ माहिदा कर लिया था, और उन्होंने ये भी उनकी ये थिंकिंग थी कि जी हम तो बेचारे पहले ही जो थे हम पे हुकूमत हो रही थी, अब आप कर लें, असल तो ये मुसलमान हैं इनको आप सीधा करें, क्योंकि ये हुक्मरान थे।
تو اس لیے مسلمانوں پہ بڑا برا وقت تھا. اوپر سے ہمارے جو علماء حضرات تھے اور جو جاہل قسم کے لوگ تھے وہ ہر قسم کی کو ترقی کو رد کرتے تھے, کچھ پڑھنے پڑھانے سے روکتے تھے, سکولوں کالجوں میں جانے سے روکتے تھے. تو اس وقت جو شمع جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پہلی سیڑھی اور جو شمع مسلمانوں میں بلند کی سر سید احمد خان نے کی, کہ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی اور مسلمانوں کو یہ تلقین کی اور ان سے منت سماجت کی کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ یہ پڑھ لکھ کے اپنا کوئی کردار ادا کر سکے, ایک نئی پود جنم لے. کیونکہ جب مغلوں کی حکومت ختم ہوئی تو مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں تھا. پھر ہم دیکھتے تھے ٹورڈز جو ترکی میں سلطنت عثمانیہ کے جو خلیفہ تھے ان کو, بادشاہ کو ہم دیکھتے تھے ایز آر یو نو, اور یہاں انگریزوں کی حکومت تھی. تو ہمارے بزرگوں نے بمے جو چند اور پنجاب میں مسلمان جو ویل ٹو ڈو تھے, جو ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اسی طرز سے انجمن حمایت اسلام تب کی بنیاد رکھی. پہلے اس کا نام انجمن اسلامیہ تھا, پھر بعد میں انجمن حمایت اسلام, جس میں پھر بعد میں یہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ, اسلامیہ کالج سول لائن, پھر بعد میں آپ کی خواتین کی جو کالج ہے کوپر روڈ, اب تو شاید یونیورسٹی ہے اسلامیہ کالج کوپر روڈ, لا کالج بھی پھر بعد میں بنا, اور بہت ساری یہ آپ دیکھیے کہ یہ یتیم خانے اور اس طرح کے اسکول بچوں کے لیے اوور دی ایئرز بنائے گئے. تو اس وقت جو میرے دادا کے دادا تھے میاں کریم بخش, وہ لائف پریزیڈنٹ تھے انجمن کے. اچھا. انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی ون تھرڈ جو پراپرٹی تھی وہ انجمن کے نام کر دی تھی. اچھا. اور اسی طرح لوگوں نے کی تھی پکے اس کو کرنے کے لیے. بادشاہی مسجد بڑے برے حالات میں تھی, تو اس کی جو مرمت تھی ریسٹوریشن تھی وہ بھی میاں کریم بخش صاحب نے اپنے ذمہ لی. یہ دیواریں جو تھیں آپ دیکھتی ہیں جو چاروں طرف ہیں بادشاہی مسجد, یہ نہیں تھیں, یہ کھلا میدان تھا. بلکہ جو حضوری باغ کا جو سائڈ تھی وہاں بھی کوئی دیوار نہیں تھی, کیونکہ سکھوں نے کافی بربادی کی تھی اور جو منرٹس تھے اس کے جو مینار تھے وہ ڈیمیج ہوئے ہوئے تھے توپوں کے گولوں سے. پھر خیر اس کی مرمت وغیرہ میں وہ انوالو رہے. اب انجمن جو تھی, انجمن کا ایک سالانہ جلسہ ہوتا تھا ہر سال, جس میں سارے مسلمان انٹلیکچوئل یو نو اور جتنے مسلم مائنڈز کیا کہتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے تھے یہاں لاہور میں, اور ایک لائے عمل کی سوچ جو اس میں لائی جاتی تھی کہ اب آگے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے, الطاف حسین علی صاحب یہاں تشریف لائے. ٹھیک ہے. اس میں مولانا شوکت علی محمد علی جوہر صاحب یہاں تشریف لائے, سر سید بھی اس میں تشریف لائے, مفتی فلسطین کے بھی اس میں تشریف لائے, بہت بڑے بڑے عالم اور جو ہمارے دانشور تھے وہ. تو وہیں سے آپ کہہ سکتی ہیں علامہ اقبال بہت زیادہ اس میں انوالو تھے, فیض صاحب کے جو والد تھے چودھری سلطان محمد خان وہ بھی انجمن میں انوالو تھے, محمود علی قصوری صاحب کی تو پیدائش یہاں کی ہے کیونکہ ان کے جو دادا تھے مولانا قصوری ان کو ہمارے بزرگ قصور سے لے کے آئے تھے یہاں کہ انجمن کی ساری آپ اس کا سلیبس بنائیں آپ اور اس کی ساری آؤٹ لائن جو ہے اس کو تیار کریں. تو اس وقت وہ یہیں مقیم تھے. اور کیا کہتے ہیں پھر پروفیسر نذیر جو ان کے محمود علی قصوری صاحب کے جو کزن تھے وہ بھی یہیں پیدا ہوئے, یہیں پلے بڑے, گورنمنٹ کالج کے پرنسپل لگے, بہت ہی مشہور ایک ہمارے استاد بھی تھے اور دانشور بھی تھے. ڈاکٹر تاثیر یہیں ان کی پرورش ہوئی. فیض صاحب کا آنا بھی یہاں بہت تھا, اپنے والد صاحب کے ساتھ جب آتے تھے تو یہیں مقیم رہتے تھے. اس کے علاوہ شیخ عبداللہ صاحب جتنے سال یہاں اپنے ان کا دور تھا جب وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے وہ تب بھی یہیں مقیم رہے. سو بہت سارے لوگ جو تھے مردان خانے میں, کئی لوگ تو ساری ساری زندگی رہے وہاں. اچھا. جی, ایک شاعر تھے انہوں نے یوسف زلیخا پنجابی میں انہوں نے لکھی, مولوی محمد حسین شاید ان کا نام تھا, انہوں نے وہ کتاب بھی یہاں لکھی, ہمارے بزرگوں نے کتاب بھی وہ چھپوائی. وہ کوئی مجھے کتاب دے کے گیا کہ جی اس میں آپ کے بزرگوں کا نام ہے اینڈ میں. اس زمانے میں جو شاعر تھے وہ ضرور لکھتے ہوتے تھے اگر کسی نے کتاب چھپوا کے دی یا کہاں یہ وہ.
तो फिर मैंने अपने दादा को दिखाई, उन्होंने कहा हाँ ये यहीं रहते थे, यहीं इनकी डेथ हुई और ये किताब जो है ये मेरे जो दादा थे उन्होंने इनको छपवा के दी थी वो किताब। सो एक उनका जो एक हमारी फैमिली का जो एक थिंकिंग थी वो बड़ी ही बहुत ज़्यादा इट वॉज मोटिवेटेड टूवर्ड्स द कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी की के लिए बहुत करते थे। कश्मीर से जब मैं कहत पड़ा है जब, तो कश्मीरी यहाँ 4-5 हज़ार कश्मीरी आया यहाँ, और उसको फिर हमारे अपना मियाँ करीम बख्श साहब ने उनको उन सब को जगह दी। ये मिंटो पार्क जहाँ अब है इकबाल पार्क, ये भी हमारी तो काफ़ी सारा हिस्सा का हमारी मलकियत थी, वहाँ उनको रखा। उनको 2-3 महीने खाना पानी एवरीथिंग दे, बिकॉज ही वॉज माशाल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही वॉज़ अ कंट्रैक्टर, एक उनके हिंदू पार्टनर थे, और वो ये सारी जितनी बिल्डिंग्स आप देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, एटसन कॉलेज, रेलवे स्टेशन, हाई कोर्ट, ये सब उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट की थी। तो ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि उनके पास अल्लाह ताला ने उनको बहुत पैसे से नवाजा, बहुत दिया था। वो उसी तरह ही उनकी अपनी लिविंग बड़ी सिंपल थी सारे हमारे घर की, कभी भी कोई ज़्यादा मेरा मतलब है कि कोई जेवर औरतों में या कोई, वो इस चीज़ को कालीन तक नहीं बिछाते थे अपने कमरों में, वो कहते थे ये भी इस्लाम के ख़िलाफ़। सो वो इस किस्म की इस थिंकिंग के लोग थे वो। तो उन्होंने फिर ये सारी जो अंजुमन इसको तैयार किया। फिर आप देखें कि जब कायदे आज़म पहली दफ़ा जब लाहौर में तकरीर करने आते हैं तो अंजुमन के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, ये बरकत हॉल में वो जलसा हुआ, और मियाँ मीरुद्दीन जो मेरे दादा थे वो भी वहाँ मौजूद थे, बल्कि उनका इनविटेशन था जिस पे कायदे आज़म आए थे, पहली दफ़ा उन्होंने एड्रेस किया। यहीं से इसी कॉलेज से आपका हरियावल दस्ता निकला, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन जो थे, क्योंकि वो एक बिल्कुल मुसलमानों का एक, जब ये सोच बदली मुसलमानों में और मुसलमानों के बच्चे पढ़ लिख गए वो भी, कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो एक नई नस्ल जो है आपकी उसकी सोच ही और थी। उनको वो फिर उनकी वो सोच ये नहीं थी कि हमने सिर्फ क्लार्क लगना है या हमने चपरासी लगना है, वो फिर ज़रा ऊँचा देखते थे। और ज़ाहिर बात है कि जहाँ इकबाल जैसे आगे उस्ताद हों या आगे गाइड करने वाले हों, तो वो एक माहौल ही बिल्कुल जो था वो और किस्म का था। तो उस वक़्त पाकिस्तान बनने से पहले ये सारी एक्टिविटी इस हवेली में हुआ करती थी, ठीक है, और एक ये माहौल था। फिर जब पाकिस्तान बन गया, फिर ये जगह छोटी हो गई, फैमिली उनकी जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सब जो थे अपने सबके बच्चे हो गए आगे, ये फिर जगह कंजेस्टेड हो गई, तो फिर सब हवेली छोड़ के चले गए। फिर ये कुछ 40 साल तकरीबन ये बिल्कुल बंद रही। इलेक्शन वेक्शन में मेरे वालिद या मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ता था तो यहाँ से हम, तब ये ज़्यादातर खुलती थी, वरना ये मुलाजिम ही एक दो रहते थे। इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ, काफ़ी हिस्सा इसका गिर भी गया जो नाकाबिले मुरम्मत था। तो फिर उसके बाद मैं फिर कोई 86 में मैंने कहा भाई अब ये, या अगर मैं इसके यहाँ जाके रहना ही पड़ेगा तो ये इसकी रेस्टोरेशन जो है वो हो सकेगी, वरना तो ये गिर जाएगी सारी। सो मैं आया यहाँ, मेरी वालदा बड़ी सख्त मेरे से नालां थी, कहने लगी कि ये घर नहीं गिर जाना है और तुमने कहे हो जाना है उसके साथ ही, ठीक है। मैंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं, एक कमरा मैंने अपना ठीक किया, एक बाथरूम, बस मैं शिफ्ट कर गया, ठीक। बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो फ्लोर्स थे, जो पेंट करना था, जो खिड़कियाँ दरवाज़े वुडन चीज़ें हर चीज़, जो बाथरूम ठीक होने थे, ये सारा अब माशाल्लाह अल्लाह के फजल से इतने सालों के बाद तमाम घर ऑपरेटिव है, हर कमरा जो है वो वो लिवेबल है, मेहमान आते हैं, बहुत आते हैं, और कई दफ़ा घर बिल्कुल भर जाता है, इतनी अकोमोडेशन होने के बावजूद भी बिल्कुल भर जाता है। फिर मैंने ये फैसला किया कि इस घर को टू इमेज पाकिस्तान, टू इमेज दी द रियल साइड ऑफ पाकिस्तान, द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, एंड ऑल्सो
कि अपने यूथ को किस तरह हम अपना पास्ट, अपनी हिस्ट्री और किस तरह इनको हम अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपनी आइडेंटिटी है, बिकॉज सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारे मुल्क में है कि हमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हमें कुछ पता नहीं कि ये मुल्क क्यों बना, किसने बनाया। वो इतना पता कायद आज़म और इकबाल, उनको हम हीरो वर्शिप कर लेते हैं, लेकिन उनके वो वही हाल है कि जो हमने अपने मज़हब के साथ किया है। हम मुसलमान हैं, हम सब कुछ हैं, लेकिन पता नहीं है हमें कि मज़हब क्या है। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ फिका कह रहा है, कोई फिका कह रहा है, और सब अपनी अपनी हाँप रहे हैं, और बीच में से जो एक्चुअल रियलिटी है वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना इकबाल का शेर है कि हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम। यानी कि इतने हार्ड वर्ड्स नामा ने यूज़ किए हैं सबके लिए, चाहे सूफ़ी हो, चाहे मुल्ला हो, या जो भी हो, क्योंकि दिस इज़ द, मेरी कि ये जो हमारी हालत है मुसलमानों की सारी दुनिया में, इसी वजह से तो हुई है कि हम पीछे रह गए हैं। ठीक है, इस्लाम हमें आगे मूव करने को बताता है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल वो तो एक और बहस है। तो उसके बाद फिर मैंने अब ये प्रोग्राम शुरू किया PTV के साथ, विरसा हेरिटेज रिवाइव्ड। अब विरसा हेरिटेज रिवाइव जो है, जब मैंने सियासत छोड़ी 15-20 साल पहले, मैंने फैसला किया, मुझे नज़र आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मुझे नज़र आ रहा था कि किस लेवल की करप्शन हो रही है, मुझे पाकिस्तानियत नज़र नहीं आ रही थी कहीं, नॉट किसी टॉप लेवल पे पाकिस्तान की, चाहे वो कुछ कोई भी हो, मुझे पाकिस्तानियत नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ पैसे की हवस और यू नो अब मुल्क की सौदाबाजी। मेरे ज़मीर ने नहीं गवारा किया, मैंने आई थॉट कि ये मैन एक मैं कर ही नहीं सकता, आई मीन आई शुड बी मोर यूज़फुल, मैं वो चीज़ करूं जहां मैं कोई काम आ सकूं अपने मुल्क पे, क्योंकि मेरे अंदर ये जाहिर बात है कि बाप दादा परदादा उनके वालिद शुरू से उन्होंने यू नो अपनी अपनी अपने मज़हब की और अपनी अपने लोगों की उन्होंने खिदमत की। अभी तक मेरे पास वो कालीन मौजूद है जिस पे खड़े होकर कायदे आज़म ने 23 मार्च 1940 को, क्योंकि मेरे दादा मियाँ मीरुद्दीन इंचार्ज थे, वो पंडाल कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने ही सारा जलसा जो था वो ऑर्गेनाइज़ करना था। ये एक और एक लंबी कहानी है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, किसी दिन कभी पूछोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह वो जलसा हुआ। वो नहीं होना था, फिर ज़बरदस्ती हमारे बुज़ुर्गों ने कायदे आज़म को कन्विंस किया कि नहीं ये होना ही चाहिए अपना 23 मार्च को। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर वो तशरीफ़ लाए यहाँ और सारा कुछ जो भी हुआ माशाल्लाह जलसा बहुत हो गया, और उसके जलसा 1940 को में हुआ और 47 में हमने पाकिस्तान बना लिया, इतनी जल्दी माशाल्लाह जो भी था। तो फिर देखिए मेरे माइंड में फिर मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूँ, कुछ मेरे माइंड में ये आया कि मैं ये इसी तरह की कोई चीज़ करूँ कि किस तरह मैं असरअंदाज हो सकता हूँ अपने यूथ को, जो बिल्कुल ही ना आशना है, जिनको पता ही कुछ नहीं है, उनका कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है उनका। तो इत्तफाकन ये हुआ कि कायदे आज़म की बेटी पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, तो मेरे यहाँ भी वो तशरीफ़ लाई, बल्कि मैंने उनके साथ कुछ 6-7-8 घंटे गुजारे। आई स्पेंड टाइम विद हर, पहले मैं उनको खाने पे ले गया कुकूज़ कैफ़े, फिर उसके बाद वो यहाँ आई, फिर हम गए अपना जो हमारे BCCP के चेयरमैन थे अपना उनके जो बेटे हैं उनका आइसक्रीम पार्लर था डिफेंस में, हम वहाँ भी गए। वो पूरी मैंने एक बड़ी खूबसूरत एक आर्टिकल जो मैंने ज़िंदगी में कभी एक दूसरा आर्टिकल नहीं लिखा, वो एक ही आर्टिकल मैंने लिखा, वो डॉन अखबार में छपा था और उसका आप गूगल भी कर सकती हैं उसको, व्हेन टाइम स्टूड स्टिल, उस सारा उस दिन का जो वाकया मेरा उनके साथ जो टाइम गुजरा उसमें था। तो मैंने उनसे पूछा, यही हम बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मुझे आप बताएं, आप गाइड करें, आपका तो वो खून है जिसने पाकिस्तान बनाया। मैंने कहा मैं बड़ा लॉस्ट फील कर रहा हूँ यू नो इस सारी सिचुएशन में कि मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मीडिया के थ्रू कुछ मैं कर सकूँ। उन्होंने कहा, मुझे बड़ा इनक्रेज किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ये तुम करो, क्योंकि फ्यूचर में मीडिया ही है, अगर तुमने अपनी आवाज़ पहुंचानी है, अपना मैसेज, अपनी थॉट, मीडिया इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, खैर मुझे बहुत इनक्रेज किया। उसके बाद फिर यू नो उस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने एक नेशनल सूफ़ी काउंसिल बनाई, नेशनल सूफ़ी काउंसिल का मैं वाइस चेयरमैन था। पहला प्रोग्राम हमने किया कलाम इकबाल के ऊपर हजूरी बाग में, प्रेसिडेंट साहब भी आए और भी तमाम जो लोग थे तब जितने गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स और इस तरह जो
जो टॉप पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट थी वो सारे वहाँ वो आया और वो बहुत आला, आई थिंक इट इज़ प्रॉब्ली सबसे खूबसूरत प्रोग्राम पाकिस्तान की टेलीविजन हिस्ट्री में, सारे पाकिस्तान की, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना खूबसूरत प्रोग्राम कभी किसी ने शूट नहीं किया. तो इट वेंट ऑफ वेरी वेल और बड़ा उसका इम्पैक्ट हुआ. मैंने ये सोचा कि यहाँ इस्लाम सिर्फ सूफ़ी लेके आए, ना कोई मौलवी लाया, ना कोई बादशाह लाया, ना कोई भी यहाँ इस्लाम, ना मोहम्मद बिन कासिम साहब लेके आए, ना शाहबुद्दीन गौरी लेके आए, ना यहाँ महमूद गज़नवी. मुसलमान थे लेकिन इस्लाम वो यहाँ उन्होंने नहीं फैलाया, इस्लाम ना किसी बादशाह ने फैलाया. अगर इस्लाम यहाँ फैलाया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सूफ़िया ने फैलाया, और वो उन्होंने अपनी मोहब्बत से, प्यार से, इंसान दोस्ती से, दूसरों की मज़हब की रिस्पेक्ट करके उन्होंने लोगों के दिल मोह लिए. और अच्छा, फिर मैंने ये आप देखें कि कवाली क्या थी. कवाली उन्होंने यहाँ रियलाइज़ किया सूफिया ने कि म्यूज़िक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लोगों की. यहाँ उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है म्यूज़िक, उन्होंने कवाली डेवलप की. और आप सोचें कि कवाली को सुन सुन कर कई लाख लोग जो थे मुसलमान हुए, क्योंकि जो चीज़ दिल में उतरती है वो ज़ाहरी बात है कि उसका एक इम्पैक्ट होता है. तो मैंने ये सोचा कि चीज़ वो करनी चाहिए जिसमें कि म्यूज़िक, पोइट्री एंड टेलीविज़न, और उसी का मिक्सचर कर दिया आपने. हाँ, मैंने फिर सा ये बनाया. इसमें आप देखें, इसमें सिर्फ नॉट ओनली दैट, कितने मैंने अपना मोटिवेशनल वीडियोस बनाए, कायदे आज़म पे, इकबाल पे, फातिमा जिना पे, पाकिस्तान पे, वो सारा इज़ पार्ट ऑफ इट. और किया मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ ही, क्योंकि मैं किसी और चैनल के साथ कोई अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं किसी और के साथ काम करूँ, क्योंकि ये मेरा काम जो है वो मैं चाहता हूँ कि हर उस पाकिस्तानी तक पहुँचे जो अपने मुल्क से प्यार करता है. अब कई लोग समझते हैं कि जी ये एक बात, जी कोई लोग मुझे कहते हैं कि जी बहुत अच्छी म्यूज़िक आप बनाते हैं, आप कंपोज़ करते हैं, तो मैं बड़ा हंसता हूँ अपने आप में. मैं कहता हूँ कि इन, अब मैं क्या इनको समझाऊँ, ये म्यूज़िक नहीं है, मैं इनको बॉर्न म्यूज़िशियन हूँ, ये अल्लाह ताला की देन है मुझे. इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल कि मैं जिस तरह, मतलब कि मैं कंपोज़ कर लेता हूँ, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है कंपोजिशन में करने में, लेकिन जब मैं करता हूँ, इनको पता है राहत को, बग्गे को, कि बैठे बैठे एक सेकंड में आई कैन कंपोज समथिंग. नात की एल्बम हर साल मैं करता हूँ विरसे में. अच्छा. वो आधे घंटे में मैं बैठ के हिना नसरुल्लाह के साथ वो सारी एल्बम कंपोज हो जाती. आधे घंटे में 8 या 9 नातें जो हैं इजीली. अभी राहत के साथ इस साल मैंने एक डिफरेंट चीज़ की कि हमने एक नातिया कवाली एल्बम की. अच्छा. ठीक है, उसमें से 3 जो कवालियाँ थीं वो मैंने उनको कंपोज़ किया था, एक बड़े खान साहब की पुरानी अपनी थी. तो ये चीज़ें बस ये चीज़ जो है, फिर देखें वो कहते हैं ना कि अगर आपकी कोई नीयत साफ़ हो तो आपको मदद ऊपर से ही आती है. वरना मैं कई दफ़ा ख़ुद सोचता हूँ कि मसलन ख़ास तौर पे जो इकबाल और गालिब की 2 एल्बम्स मैंने राहत के साथ की हैं, कि मैं नहीं समझता कि मैं इस चीज़ का अहल था कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ. क्योंकि इकबाल के कलाम में सिर्फ इकबाल का ही कलाम है, उसके जितने भी तमहीदी अशार हैं या जिसको कहते हैं कि उसमें जो उसको अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप अमूमन शायर, हर शायर का कलाम उसके अंदर ऐड कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों शायरों के साथ कोई दूसरा शेर किसी का मैच नहीं करता, ना गालिब में और ना ही इकबाल में. तो उनको ऊपर मसलन कोई, मैंने सबसे पहले गालिब की का कलाम था, कोई उम्मीद भर नहीं आती, उसको मैंने कंपोज़ किया और वो स्टार्ट था हमारा विरसा का. और ये मेरी हमारी किस्मत अच्छी कि नसीरुद्दीन शाह साहब उसके लिए तशरीफ़ लाए यहाँ. उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा शाह जी आप बड़ी खुशी होगी, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा. फिर वो आए, वो हमारा पहला प्रोग्राम था, वो हमने बहुत छोटे, मतलब कि 15-20-25 लोगों के साथ ही किया था उस वाले कोर्टयार्ड में, और बहुत खूबसूरत उसमें वो बोले. फिर एक दफ़ा दोबारा फिर गाले पे मैंने प्रोग्राम किया, फिर दोबारा भी वो आए. तो ये गालिब शनासी, इकबाल शनासी, ये हमारे बच्चों को इन चीज़ों का, अब राहत अगर करेगा कोई चीज़ तो ज़ाहिर बात है कि उसकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है. अली ज़फ़र अगर गालिब गाएगा तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है. ठीक है, या कोई और बड़ा स्टार जो है अगर वो क्या कहते हैं इन चीज़ों को गाएगा, तो फिर ये यंग जनरेशन जो है ये समझने की कोशिश करेगी. मैं आपको बता नहीं सकता, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी बाहर हैं
उनके जो वालदैन के और उनके नानाओं और दादाओं के जो मुझे फ़ोन आते हैं शुक्रिया के, अच्छा। वो यही कहते हैं कि हम तो शॉक्ड हैं कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन ने आके हमसे पहली दफ़ा पूछा है कि दादा जान ये समझा दें, अच्छा। ये गालिब का कलाम क्या है या इकबाल का, कि हमें अच्छा बहुत लग रहा है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। सो ये मैं, और दूसरी बात यह है कि फिर जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया एक पुट साल डेढ़ साल पहले, तब मुझे पता चला कि 18 से 35 साल तक के जो लोग हैं मैक्सिमम हमारे प्रोग्राम देखते हैं, अच्छा। फ्रॉम 18 to 34 or 35, और पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न सऊदी अरेबिया, नंबर टू इंडिया, देन पाकिस्तान एंड देन अमेरिका एंड देन यूरोप। पाकिस्तान पे मेरा ख्याल वो लोग देखते होंगे, टीवी पे भी ज़्यादा देखते होंगे ना, क्योंकि अभी ये लगता होगा या अभी इतना वहाँ बाहर जो पाकिस्तानी हैं वो सब के सब यू नो यूट्यूब के ऊपर वो हैं, मौजूद हैं और वो देखते। सो ये सकाफत मैंने शुरू की, मैं इनक्रेज करता हूँ कोई अच्छा वीडियो हो, कोई अच्छी कोई चीज़ हो, स्टूडेंट्स के लिए हर वक्त मेरा घर खुला हुआ है, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हों, कल आई हुई थी बच्चियाँ लाहौर कॉलेज की, उनका कोई एक थीसिस था उनके लिए, हर वक्त स्टूडेंट्स होते हैं, इतवार वाले दिन बिल्कुल बहुत से लोग आते हैं देखने के लिए भी, स्टूडेंट्स भी आते हैं, और मुझे बेहद खुशी होती है कि मेरा घर जो है उनके लिए खुला हुआ है, बिकॉज ये दिस बिलोंग्स टू एवरीवन, दिस हाउस, इसकी एक हिस्ट्री है, इसकी एक यू नो एक अपनी एक यू नो एक वर्थ है, तो उसको रहना चाहिए। अब माशाल्लाह ये वॉल सिटी अथॉरिटी ने इसको डिक्लेयर कर दिया है एज अ हेरिटेज साइट, तो हम इसको ना गिरा सकते हैं, बेच सकते हैं लेकिन गिरा नहीं सकते, सो ये इसकी एक प्रोटेक्शन होगी।